हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लासेस। सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर एल्डिहाइड केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बोला भी था कि ये टेबल आप इम्पोर्टेंटली इसको याद करें। एंड नाउ लेट्स डिस्कस रिडक्शन रिएक्शन। हम एडिशन रिएक्शन देख चुके हैं, अब हम रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे। सो रिडक्शन, देखो रिडक्शन करने के लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत है। सो रिडक्शन टू एल्कोहल, तो हमको पता है कि एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, तो एल्डिहाइड से वापस एल्कोहल बन सकता है। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रिस्पेक्टिवली बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो वी कैन यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड, हम इस ये है रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज बाय कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन, या फिर हम कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं। ये यूनिट 11 क्लास 12th में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओके, सो यू कैन सी दिस। नेक्स्ट है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन हो जाना किसका, कार्बोनाइल ग्रुप का। द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू CH2 ग्रुप। जो कार्बोनाइल ग्रुप है, CO जो ग्रुप है, वो CO ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा CH2 ग्रुप में। कब कैसे होगा, जब हम रिएक्शन कराएंगे जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन वी रिएक्ट विद दिस जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, या फिर और विद हाइड्राजीन, या तो ये वाली रिएक्शन कराएंगे हम, या फिर हाइड्राजीन उसके बाद में हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या तो उसको गर्म करेंगे हम सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज एथिलीन ग्लाइकोल, या हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट जैसे एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में रिएक्ट कराएंगे, वोल्फ किशनर रिडक्शन बोलेंगे। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड सेकंड वन इज वोल्फ किशनर रिडक्शन। सो सी दिस इज अवर एल्डिहाइड और कीटोन। ये यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है जिंक और मरकरी, ये जो जिंक मरकरी इट इज़ नोन एज जिंक अमलगम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जिंक अमलगम और HCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो CO ग्रुप है यहाँ से ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा दो हाइड्रोजन से। ओके, तो कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप एंड वाटर इज फॉर्म, दिस इज नोन एज क्लेमेंसेंस रिडक्शन रिएक्शन। ओके, एंड सी दिस इज अवर कार्बोनाइल, दिस इज अवर एल्डिहाइड और कीटोन। ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। ये NH2, ये हाइड्राजीन एंड यहाँ से वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ये हाइड्राजीन एंड ये कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकता है। अगर ये दोनों यहाँ पे R ग्रुप हैं तो ये एल्डिहाइड कीटोन होगा, और अगर एक R है और एक हाइड्रोजन है तो इट विल बी एल्डिहाइड्स। सो दिस CO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और NH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन भी ऑलरेडी बताई है मैंने अमोनिया डेरिवेटिव वाली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हाइड्राजोन विल बी फॉर्म एंड व्हेन हाइड्राजोन रिएक्ट विथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे विथ एथिलीन ग्लाइकोल और इसको गर्म करेंगे तो ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला दिस रिप्लेस विथ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा एंड नाइट्रोजन विल बी फॉर्म एंड दिस रिडक्शन विल बी नोन एज वोल्फ किशनर रिडक्शन। हम इसको बोलेंगे वोल्फ किशनर रिडक्शन। तो ये दोनों रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लें। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आवर रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो सो ऑक्सीडेशन के करने के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों का डिफरेंस है, एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये CHO ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये यहाँ पे ब्रैकेट में वो लिखा है, मतलब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ये जो CHO ग्रुप है ये वाला, दिस CHO ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में विथ, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड को हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे, विथ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लाइक नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ETC, इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
सो अगर हम इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करें, मेनली टॉलेंस रिएजेंट का भी यूज़ करें, टॉलेंस रिएजेंट्स एंड फेलिंग रिएजेंट्स, ये दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अभी बात करते हैं हम, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एल्डिहाइड से, ये भी ऑक्सीडाइज कर देंगे एल्डिहाइड। तो देखो दिस एल्डिहाइड ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप विथ ऑक्सीडेशन। कीटोन का ऑक्सीडेशन देखें हम, सी सो कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगोरियस कंडीशन। हमको विगोरियस कंडीशन चाहिए, मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो वी कैन यूज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। इस अब जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, देर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टू अफोर्ड ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा, लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द पेरेंट कीटोन। दिस इज अवर कीटोन, ये देखो ये आर ग्रुप है और एक आर ग्रुप ये। सो यहाँ पर ये यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। तो एक तो इस तरह से ये वाला बनेगा, मान लो ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो आर सी डबल ओ एच बनेगा, ये पूरा के पूरा रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला ग्रुप दिस ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड इनटू सी डबल ओ एच एंड दिस ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड इनटू सी डबल ओ एच। तो दो तरह के बनेंगे, देखो यहाँ से इसको ब्रेक करें, मान लो ये सी वन कार्बन है, दिस इज सी टू कार्बन, ये यहाँ से ब्रेक होता है सपोज, तो ये वाला एक सी आर सी डबल ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आर सी एच टू सी डबल ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये वाला बनेगा ये, और ये इधर वाला ग्रुप बनेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन किस तरह से करना है एंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस तरह से करना है, यू कैन सी दिस। नेक्स्ट है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड मतलब जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड, देखो अगर आपको कोई केमिकल दे दिया, इफ यू आर गिवन ए केमिकल देन यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ एल्डिहाइड एंड विच इज़ कीटोन। आपको कोई दो एल्डी केमिकल दे दिया और आपको पता लगाना है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन, तो हम उसका टेस्ट करेंगे। सो ये टेस्ट है, ये ऑक्सीडेशन वाली ही रिएक्शन है, इस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो हम पहला टेस्ट पढ़ने वाले हैं, टॉलेंस टेस्ट। ओके टॉलेंस टेस्ट कैसे करते हैं इसको, ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। हम एल्डिहाइड को गर्म करेंगे किसके साथ में, फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये जो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है इसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टॉलेंस रिएजेंट। तो व्हेन वी वार्म एल्डिहाइड विथ टॉलेंस रिएजेंट ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। तो वहाँ पर एक सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड होगा, एक चमकीला सा आपको दिखाई देगा सिल्वर मेटल की वजह से। तो एल्डिहाइड सी दिस इज एल्डिहाइड, आर सी एच ओ दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज अवर टॉलेंस रिएजेंट ए टू ए जी एन एच थ्री टू एंड देन प्लस, इसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। एंड दिस इज ओ एच माइनस, ओ एच माइनस मतलब ये बेसिक मीडियम में है, ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, यहाँ पर किसी बेस का यूज़ किया जा रहा है, एन ए ओ एच के ओ एच कुछ और भी हो सकता है। तो देखो ये एल्डिहाइड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस एल्डिहाइड विल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इन टू दिस आर सी डबल ओ, यहाँ पे एच प्लस भी हो सकता है, मतलब ये एसीटेट में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट एनायन, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन एंड द रिएक्शन अकर्स इन एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम मतलब यहाँ पे एन ए एच होगा या के ओ एच होगा। और ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, दिस टॉलेंस रिएजेंट विल बी कन्वर्टेड इन टू ए जी एंड देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया। तो ये जो रिएक्शन है टॉलेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड ही देगा, कीटोन नहीं देगा। अगर कीटोन है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके और अगर वहाँ पे ऐसी एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक चमकीली सी मिरर टाइप से वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड है। ओके नेक्स्ट टेस्ट है आपका फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या है, फेलिंग रिएजेंट कॉम्प्राइजेस ऑफ टू सोल्यूशन। देखो फेलिंग रिएजेंट में दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, दोनों सॉल्यूशन होते हैं, अलग अलग इनको मिक्स करते हैं हम। फेलिंग सॉल्यूशन ए इस कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व कर रखते हैं, उसको हम फेलिंग सॉल्यूशन ए बोलते हैं। एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी को हम बोलते हैं एल्केलाइन होता है ये, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको हम रोशेल्स सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये याद रखें दोनों, ये थ्योरी जरूर याद रखें। दिस टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट। ओके
ऑन हीटिंग इन एल्डिहाइड विद फेलिंग रिएजेंट। जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे फेलिंग रिएजेंट से, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे इक्वल अमाउंट में, तो जब ये रिएक्शन करेंगे, देखो ये दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज अवर फेलिंग्स, टेस्ट के लिए हम सिंपली Cu2+ लिख रहे हैं, ओके। तो क्या होगा, ए रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, आपको एक लाल ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये Cu2O रेड ब्राउन कलर का वहाँ पे नीचे की तरफ जम जाएगा। सो इसका मतलब है ये जो एल्डिहाइड है, सी दिस एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा दिस कार्बोक्सिलेट एनायन में, दिस Cu2+ ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड इनटू Cu2O, ये Cu2O में हो जाएगा एंड देन वाटर विल बी फॉर्म, वो आप बैलेंस करेंगे तो वाटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहाँ पर, ओके। एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट एनायन एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कौन पर एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, मतलब आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड दे दिया और एरोमेटिक एल्डिहाइड दे दिया तो भी आप पता लगा सकते, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा और कीटोन तो नहीं ही देगा, तो एक और ये टेस्ट है जिससे यू कैन आइडेंटिफाई विच इज़ एल्डिहाइड एंड विच इज़ कीटोन, एंड इफ़ यू डिस्टिंग्विज एल्डिहाइड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड देन यू आल्सो यूज़ दिस फेलिंग टेस्ट। तो आप इस रिएक्शन को भी पूरा थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिएक्शन होने वाली है, ओके। एंड एक और टेस्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, सी दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये भी एक और टेस्ट है एक तरह का, ओके। सी ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन फॉर्म हेलोफार्म रिएक्शन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोफार्म रिएक्शन। तो देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, ये रिएक्शन वही एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, जैसे सी दिस कार्बोनाइल ग्रुप, इस कार्बोनाइल ग्रुप के पास में ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप होगा तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी, ओके। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक टू कार्बोनाइल कार्बन एटम मिथाइल कीटोन, हम इसको मिथाइल कीटोन बोलेंगे, ओके, या आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहेलाइट, किससे होगा ये जो सोडियम, इसको हम सोडियम हाइपोहेलाइट बोलेंगे। ये देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, देखो एक कार्बन ये वाला ग्रुप जो है ये ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये ग्रुप बन जाएगा CH3, यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन, ये यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaOH+X2, ये दोनों मिलके ये बनाएंगे, ओके। ये ऐसा भी हो सकता है, तो देखो ये जो CH3 ग्रुप है CH3 ग्रुप काय में कन्वर्ट हो जाएगा CHX3 में, हम इसको बोलते हैं हेलोफार्म, ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम हेलोफार्म बोलते हैं, और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा दिस कार्बोक्सिलेट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये वाला ग्रुप जो है CH3 ग्रुप ये हेलोफार्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है दिस कार्बोनाइल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। तो ये मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो गया आपका हेलोफार्म में, क्लोरोफार्म ब्रोमोफार्म आयोडोफार्म, ओके एंड सो ऑन। नेक्स्ट एक और देखो, ये देखो ये आप ये है दिस इज आपका ये कीटोन है, ओके ये कीटोन दे रखा है, ये यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, दिस का इस कार्बोनाइल ग्रुप के पास ये CH3 है, तो ये CH3 जो ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप तो कन्वर्ट हो जाएगा CHCl3 में, अगर आपने यहाँ पे Cl लिया X की जगह पर तो CHCl3 बन जाएगा, ओके। एंड ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा के पूरा COOONa में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो COOONa इस कार्बन से इसकी जगह पे ये ONa आ गया है ना, इस CH3 की जगह पे ONa आ गया और ये CH3 कन्वर्ट हो गया CHCl3 में, ओके। दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, दिस इज अनदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयड इज आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3 ग्रुप, ये भी एक तरह का टेस्ट है जिससे कि आप पता कर सकते हो कि उसमें CH3CO ग्रुप है या फिर CH3CHOH ग्रुप जो कि प्रोड्यूस होता है CH3CO ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन, ओके। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसकी पूरी थ्योरी अच्छे से याद करें फिर रिएक्शन को समझें अच्छे से, ओके। सो आपकी एग्ज़ाम आ चुकी है और
आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से कैसे क्या पढ़ाई करें, तो देखिए आपका 12th बोर्ड रहेगा, तो बोर्ड में आपको क्या करना है कि जो आपकी NCERT की बुक है या आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें सारी रिएक्शंस जो दे रखी है उन रिएक्शन की थ्योरी आपको पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने के बाद उस रिएक्शन को देखकर पहचान करनी है कि रिएक्शन ये है, कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होने वाले हैं, किस किस रिएजेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सब कुछ आपको देखना होगा। और पुराने साल पूरा जो पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, देखें क्वेश्चन का पैटर्न समझें किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उनको मैंने ऑलरेडी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कराए हैं, आप इस चक्कर में ना रहें कि हमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे या NCERT के पीछे जो क्वेश्चन लिखे हैं उनको पढ़ लेंगे और हम अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बुक रीडिंग करनी होगी, अच्छे से बुक रीडिंग की आदत डालें, ओके, बुक रीडिंग पढ़ें, उन रिएक्शंस को याद करें, क्योंकि ऐसा है कि रिएक्शन मैंने इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले चूज़ किया था ताकि आप उन रिएक्शन को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि हम रिएक्शन आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, ऐसा होता है। उनको हमको कंटिन्यूसली उनको रिविज़न करना होगा, तो उनको रिवाइज़ करते रहें और बिल्कुल भी ये ना सोचे कि अभी हम टेस्ट में ना पढ़ें, एग्ज़ाम में पढ़ लेंगे 5 दिन पहले, तो फिर आप भूल जाओगे, आप पास भी हो जाओगे। ये 5 दिन में पास होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अब 10th तक या 11th तक आपने धका लिया मामला, लेकिन अब नहीं धकेगा। आप इसका रिविज़न करें, डेली इनको रिवाइज़ करें, पढ़ें, बुक को वर्ड टू वर्ड रीडिंग करें, समझें, रिएक्शन को देखें, देखकर पहचानने की कोशिश करें कि ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यू एलिमिनेशन रिएक्शन है, या और कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन है, कीटोन की रिएक्शन है, एल्कोहल की रिएक्शन है, या एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, कब रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी, कब रिएक्शन स्लो होगी, ये सारी थ्योरी आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए, ओके। सो बुक रीडिंग करें, आपको अगर ऐसा लगता है कि हम पुराने ईयर के क्वेश्चन कहाँ से देखें, तो इसका एक सॉल्यूशन है, आप प्ले स्टोर पर जाएँ, प्ले स्टोर में आपको कोई सा भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ऐसा सर्च करें प्ले स्टोर में प्रीवियस ईयर CBSE क्लास 12th क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CBSE क्लास 12th, ऐसा प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन उसमें मिल जाएंगी। जो एप्लीकेशन आपको अच्छी लगती है, जिसमें अच्छे से दे रखा है क्वेश्चन, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, तो आप उस लिंक के थ्रू उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसमें पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखें, चैप्टर जो पढ़ा दिए हैं उसके क्वेश्चन उसमें से छाँटें और उनको देखें, समझें क्या पेपर का पैटर्न है और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देखें, क्योंकि कुछ चेंज हुआ है, तो मैंने उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न रखा है, ओके। सो मतलब हल्के में ना ले कोई भी एग्ज़ाम को, 40 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा और ये मार्क्स के रिजल्ट आपके डिसाइड करेंगे आपको प्रैक्टिकल में और आगे किस तरह से नंबर दिए जाएंगे, ओके। आप पढ़ते नहीं हो साल भर और फिर बोलते हो कि हमें नंबर कम दिए हैं या ऐसा, तो फिर वो आप जाने, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आपका इस बार तो मेरे हाथ में नहीं है, कोई और लेगा। अगर वो आप जवाब नहीं देते हो या नहीं करते हो तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो पढ़ें अच्छे से, बुक रीडिंग की आदत ज़रूर डाल लें, बुक रीडिंग अवश्य कंपलसरी करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करें, ओके। और अगर कोई समस्या है किसी टॉपिक में तो मुझे बताएं, आप व्हाट्सएप में सर को बता दीजिए या मुझे बताएं, तो मैं आप उसके टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाकर दे दूंगा। तो अब आप ये ना पूछें कि किस तरह से क्या आएगा, अब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कैसे पढ़ाई करनी है, बुक रीडिंग करें, बुक रीडिंग करें और बुक रीडिंग करें, सारी रिएक्शन की थ्योरी याद करें, फिर थ्योरी के बाद उनको रिएक्शन को पहचानें, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके। सो इतना ही, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, अच्छे से पढ़ाई करें, ओके, थैंक यू, बाय बाय।